नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे, मेनी वन फंक्शन। सेकंड डेफिनेशन, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन क्या है? अ फंक्शन, अ फंक्शन एफ वेरीज फ्रॉम ए टू बी, इट्स said to be, it's said to be many one function if two or more elements, two or more elements of set A, yani domain, have the same image in B. क्या है many one function की definition? F एक function लिया, ठीक है, उस function को मेनी वन फंक्शन कब कहेंगे? जब डोमेन के एलिमेंट, क्या बता रहा है, जो डोमेन के एलिमेंट रहेंगे टू और टू से ज्यादा एलिमेंट है, उनकी इमेज सेम होनी चाहिए कोडोमेन में। डायग्राम देखते हैं, पता चल जाएगा। वन टू थ्री, ए बी, ए सेट है, बी सेट है, वन की इमेज ए, टू की इमेज बी, थ्री की इमेज ए। अब देखो, ए के टू एलिमेंट की इमेज सेम है बी में, क्या है वो? ए, तो ये क्या हो गया? मेनी वन यानी एक से ज्यादा, एक भी नहीं, टू और टू से ज्यादा जो एलिमेंट है उनकी सेम इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में, मेनी वन हो गया। और एक लेते हैं, समझ में आएगा। वन टू थ्री, ए बी सेट, वन की इमेज ए है, टू की भी इमेज ए है, थ्री की भी इमेज ए है, तीनों की इमेज एक ही है, तीनों की इमेज एक ही है, ये क्या हो गया? मैंने वन फंक्शन, इजी है, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता लेकिन ले लिया। नेक्स्ट डेफिनेशन, और अगर एक एग्जांपल लिए, थ्योरेटिकल एग्जांपल लेते फिर नेक्स्ट डेफिनेशन। कंसीडर फंक्शन एफ वेरीज फ्रॉम -1 to 1 to r, define by, function define करते हैं f of x equal to x square। अब देखो, हम एक दो element लेंगे, देखो value डालता हूँ, f of -1 लिया मैंने, -1 का square 1, अब वन डालते हैं, वन का स्क्वायर भी 1, क्या होगा? इधर एफ ऑफ -1 की इमेज 1 है, एफ ऑफ 1 की भी इमेज 1 है, लेकिन -1 ओवर डिफरेंट एलिमेंट है, इस सेट के डिफरेंट एलिमेंट है, डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट है -1 और 1,
लेकिन उनकी इमेज क्या है, सिर्फ वन है, इक्वल है, यानी ए भी फंक्शन क्या हो गया, वन वन हो गया, सॉरी मेनी वन हो गया, एफ इज मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। जो हमने वन वन देखा वो कभी भी मेनी वन फंक्शन नहीं रहता, क्योंकि उसकी इमेज यूनिक रहती है, एक से ज़्यादा सेम नहीं रहती, आप देख सकते हैं। चलो इजी था ये, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, ऑन टू नेक्स्ट डेफिनेशन, थर्ड ऑन टू यानी सर्जेक्टिव, ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन, ये सीधा उसके रिवर्स है, किसके, वन वन की। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एफ वेरीज फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी, क्या इट सेड टू बी एन ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव, इसको ऑन टू भी बोलते हैं और सर्जेक्टिव बोलते हैं। इस फंक्शन को हम ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन कब कहेंगे, सर्जेक्टिव फंक्शन कब कहेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज प्री इमेज यानी कि इनवर्स इमेज इन ए, दैट इज इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू बी और रेंज ऑफ एफ और रेंज ऑफ एफ इज द कोडोमेन ऑफ एफ। हम डेफिनेशन देखते हैं, क्या है डेफिनेशन ऑन टू की, जो कोडोमेन है फंक्शन का, जो कोडोमेन है उस कोडोमेन के सभी एलिमेंट को, सभी मैं क्या बोल रहा हूँ, सभी कोडोमेन के जो भी है कोडोमेन के सभी एलिमेंट को प्री इमेज होनी चाहिए, डोमेन में प्री इमेज यानी इनवर्स इमेज होनी चाहिए फंक्शन के डोमेन में यानी कि ए में। और ऐसा भी कह सकते हैं जो रेंज है, तुमको डेफिनेशन पता है रेंज क्या है, रेंज क्या है, तो वैल्यूज ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ सेट, जो फंक्शन की वैल्यूज है उनका सेट, जो सेट रहेगा कोडोमेन में वो पूरा का पूरा जब आएगा डोमेन सॉरी कोडोमेन, जब फंक्शन की वैल्यू का जो सेट है वो पूरा कोडोमेन आएगा, पूरा कोडोमेन, तब वो फंक्शन क्या रहेगा, ऑन टू रहेगा, रेंज ऑफ एफ इज द कोडोमेन ऑफ एफ। हम डायग्राम देखते पता चल जाएगा, एक डायग्राम देखते, ए डायग्राम निकाली, सेट ए, दूसरा सेट बी, वन टू थ्री फोर, ए बी सी डी। अब देखो ए की प्री इमेज ए है, वन की इमेज ए है, टू की इमेज टू ए, थ्री की इमेज सी है, फोर की इमेज डी। अब देखो
सारे एलिमेंट को प्री इमेज ए में, सारे एलिमेंट कवर होने चाहिए। समझ में आ रहा है ना? सारे एलिमेंट को प्री इमेज, इनवर्स इमेज, इसको इनवर्स इमेज बोलते हैं, यानी कि ए कनेक्ट होना चाहिए वन से। देखो है इधर, और एक लेते हैं वन टू थ्री फोर, ए बी सी और ए डी। वन की इमेज टू है, टू की इमेज बी है, थ्री की इमेज ए है, फोर की इमेज डी है। अब देखो ए सेट ए, ए सेट बी, एक कोडोमेन है, कोडोमेन का सी जो एलिमेंट है उसको प्री इमेज ही नहीं है। ध्यान से देखो, कोडोमेन जो बी है, कोडोमेन उसके एलिमेंट जो सी है उसको इमेज नहीं है, प्री इमेज नहीं, इनवर्स इमेज नहीं है ए में, यानी कि ये किसी के भी एलिमेंट को कनेक्ट नहीं है ए के, इसलिए ये क्या है, नॉट ऑन टू, प्री इमेज नहीं। उल्टा देखेंगे हम, वन वन के लिए क्या देखते थे, इस सारे एलिमेंट को इमेज होनी चाहिए डोमेन में। अब इधर रिवर्स देखेंगे ऑन टू में, बी के सारे एलिमेंट को प्री इमेज होनी चाहिए ए में, तो क्या होगा, नॉट ऑन टू। से बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम देख सकते हैं, ये दो एग्जाम्पल लिए, ये क्या है ऑन टू, समझ में आ रहा, इजी है। हम अनदर डेफिनेशन देखेंगे ऑन टू की, वो थेरोटिकल थी, ये थोड़ा अलग है, सेम ही है लेकिन मैकेनिकल पार्ट में, जल्दी समझ में आएगी। लेट ए एंड बी इज ए नॉन एम्प्टी, ए नॉट इक्वल टू फाइव, बी नॉट इक्वल टू फाइव, एंड फंक्शन एफ वेयर इज फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ए ऑन टू फंक्शन। इस फंक्शन को ऑन टू कब बोलेंगे, इफ फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी, बी के सारे एलिमेंट को प्री इमेज एग्जिस्ट होगी, एक्स देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। ये डेफिनेशन है, ये हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज होने वाली है। नोट्स देखेंगे, फर्स्ट नोट्स देखो, मैंने क्या बताया, कोडोमेन के सारे एलिमेंट को प्री इमेज एग्जिस्ट होनी चाहिए, यानी कि बी की कार्डिनलिटी ए के कार्डिनलिटी से कम होगी, क्या होगी, कम होगी, तभी कम और इक्वल होगी, तभी वो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। लेट एक फंक्शन लेते हैं, लेट एफ वेयर इज फ्रॉम ए टू बी, बी ए फंक्शन, बी ए फंक्शन, फर्स्ट नोट, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज greater than or equal to cardinality of B, then F is onto, तभी onto होगा जब cardinality of A is greater than or cardinality of B, यानी कि cardinality of B is less than or equal to। Another, if cardinality of A is less than cardinality of B, then F is not onto, then F is not onto। इसका हम एग्जाम्पल लेंगे, कार्डिनलिटी इसके दो एलिमेंट लेते हैं और इसके थ्री एलिमेंट, कौन से ही रैंडमली, अब देखेंगे
इसकी इमेज ए है और इसकी इमेज ये है, और इसको प्री इमेज ही नहीं है, इसको प्री इमेज ही नहीं है, ए सेट ए, ए सेट बी, इसकी कर्नलिटी ज़्यादा है, इसलिए ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि इसकी प्री इमेज ही नहीं है ए में। ये रही नोट्स, ये नोट्स याद रखना, 1-1 जो फंक्शन था उसके जो नोट्स थे कर्नलिटी के, और ये दोनों ही काम आने वाले हैं आगे, जो हम लेने वाले, जो टॉपिक लेने वाले हैं, काम आने वाले, तो ध्यान से पढ़ना। अगली डेफिनेशन है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या है? इनटू फंक्शन, अ फंक्शन, अ फंक्शन ऑफ एफ वेरीज फ्रॉम ए टू बी इज एन इनटू फंक्शन, इज एन इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, सॉरी फिर से लेता हूँ, अ फंक्शन ऑफ एफ वेरीज फ्रॉम ए टू बी इज एन इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट इन बी हैविंग नो प्री इमेज, हैविंग नो प्री इमेज, हैविंग नो प्री इमेज इन ए क्या है इनटू फंक्शन? जो फंक्शन है एफ वेरीज फ्रॉम ए टू बी, देर एग्जिस्ट, बी में एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट होगा उस एलिमेंट की प्री इमेज ए में नहीं होगी, मिनिमम एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट होगा कोडोमेन में बी में जिसकी प्री इमेज नहीं होगी डोमेन में। इन अदर वर्ड्स और एक डेफिनेशन देखेंगे, एफ वेरीज फ्रॉम ए टू बी इज एन इनटू फंक्शन, इज एन इनटू फंक्शन, इज एन इनटू फंक्शन इफ एफ ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। एफ ऑफ ए क्या होता है? रेंज ऑफ फंक्शन, यानी रेंज की जो रेंज है उसकी कार्डिनलिटी कोडोमेन की कार्डिनलिटी से कम होगी। समझ में आ रहा है ना? एफ ऑफ ए क्या रहता है? एफ ऑफ ए एक सेट रहता है फंक्शन के वैल्यूज का। फिर से देखो रेंज क्या रहती है, एफ ऑफ ए क्या है? रेंज है, रेंज दैट इज रेंज ऑफ एफ इज लेस देन कोडोमेन ऑफ एफ। इसका ये मतलब है जब ऐसा होगा तब ये फंक्शन है वो इनटू रहेगा। देखो रेंज ऑफ एफ, रेंज ये दो सेट नहीं है डोमेन कोडोमेन, ये क्या है? रेंज है। रेंज अगर रेंज कोडोमेन से कम होगी तो फंक्शन क्या रहेगा? इनटू फंक्शन रहेगा। रेंज तो आपको पता है क्या है इनटू फंक्शन। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है डेफिनेशन, लेकिन आपके काम आएगी। डायग्राम देखते हैं उसकी।
डायग्राम से जल्दी समझ में आता है। क्या करेंगे, 1 2 3, 1 2 3, ये लेंगे ए बी सी, सेट ए सेट बी। अब क्या करेंगे, कोइंसाइड हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है। देखो इसको क्या है, प्री इमेज नहीं है, प्री इमेज नहीं है, इसलिए क्या हो गया, इनटू हो गया। अब देखो रेंज सेट में कितने आएंगे, एफ ऑफ ए में कितने आएंगे, ए और बी आएंगे, और बी में क्या है, ए बी सी, तो रेंज सेट, ये रेंज सेट हो गया फंक्शन का, रेंज ए और बी से, फंक्शन की रेंज ए और बी है, और बी में क्या है, ए बी सी, तो ए सेट, ए बी ए सेट, ए बी सी का सबसेट है, इसीलिए ऐसा लिखा था, रेंज ऑफ एफ और एफ ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट। देखो एक एक डेफिनेशन यूज हो रही है इधर, सेट सबसेट प्रॉपर सबसेट, इसलिए एक एक डेफिनेशन ध्यान से समझ लो, पढ़ लो, समझ में आ रहा है, आया होगा। यह है इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, और लास्ट डेफिनेशन है फिफ्थ, 1 1 1 1 ऑन टू, और बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव और 1 1 करस्पॉन्डेंस, 1 1 करस्पॉन्डेंस वन बोलते हैं, करस्पॉन्डेंस, 1 1 करस्पॉन्डेंस, तीन नाम है इस डेफिनेशन को, 1 1 ऑन टू, बाइजेक्टिव और 1 1 करस्पॉन्डेंस। क्या है, अ मैप, फंक्शन को मैप भी बोलते हैं, अ मैप एफ वेयर इज फ्रॉम ए टू बी इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव और 1 1 ऑन टू और 1 1 करस्पॉन्डेंस। कब बोलेंगे, इफ एफ इज 1 1 एंड सॉरी 1 1 एज वेल एज ऑन टू, जो फंक्शन एट अ टाइम 1 1 होगा और ऑन टू होगा, जो फंक्शन एट अ टाइम 1 1 और एज वेल एज ऑन टू दोनों होगा एक ही टाइम में, तब वो फंक्शन क्या रहेगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब ये देखो मेन क्या है, मेन डेफिनेशन हमको आगे यूज होने वाली है, एक है 1 1, दूसरी है ऑन टू, और तीसरी है 1 1 ऑन टू, यानी कि बाइजेक्टिव 1 1 करस्पॉन्डेंट। ये तीन जो डेफिनेशन है ये बहुत काम आने वाली है, ग्रुप थ्योरी जो सब्जेक्ट है उसमें भी काम आएगी, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ना। ये लास्ट वाली तो इजी है, लेकिन जो दो है 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके और एग्जांपल करो और अच्छे से पढ़ लो। आज हम यही रुकते हैं, थैंक यू।